ओके सो टुडे देखो भाई, अब स्टार्ट करेंगे आज हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इट इज़ द लास्ट इफेक्ट. मींस फर्स्ट वी स्टार्टेड विद द इंडक्टिव इफेक्ट, आफ्टर दैट हाइपरकंजुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट. ठीक है, अब ये आपके पास लास्ट इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल से देखते हैं हो क्या रहा है, उसके बाद देखते हैं डेफिनेशन क्या बनेगी. देखो डेफिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे हो रहा है और क्या एप्लीकेशन है वही सबसे मेन है. कल भी हमने यही किया था, इंडक्टिव इफेक्ट किया जरूर पर मेनली गए एप्लीकेशन के ऊपर, चाहे रेजोनेंस हो चाहे हाइपर कंजुगेशन हो. आपको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में यूज़ कहाँ पर होंगे और उसका क्या फ़र्क पड़ेगा किसी करेक्टर के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, चाहे वो एसिडिक स्ट्रेंथ हो, बेसिक स्ट्रेंथ हो, या उसका बोन वीक होना, स्ट्रॉन्ग होना, बहुत सी बातें हैं. और ये इफेक्ट्स आपको आगे प्लस टू में सीधा अप्लाई ही होंगे. कोई नहीं पूछता है कि डेफिनेशन क्या है, पता है आप डेफिनेशन रट ली है, आपने क्रैम कर ली है, एक लाइन की होती है, बट उसके बाद जो एप्लीकेशन है उसमें होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, क्या लगाओ तो ये होगा, वो लगाओ तो ये होगा. और वही बेन आगे एनसीईआरटी या सीबीएसई इसी मोड पे काम करेगी. तो देखो पहले समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है आपके पास, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये आपका यूज होगा जहां पर एल्कीन मीन्स मल्टीपल बॉन्ड हो. तो मल्टीपल बॉन्ड में क्या है, एक सिग्मा और एक पाई. ठीक है, अब देखते हैं. अब सी मैं यहाँ देखो, अब क्या प्रेजेंट है इसको भी लेंगे नहीं यहाँ, क्योंकि देखो जब जाएंगे ना वहाँ पर आगे मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होगा, मतलब रिएक्शन कैसे होती है उसमें ये कंसेप्ट अप्लाई होना है. तो मैं यहाँ पर मे बी हाइड्रोजन है, सी एल है, कुछ भी है, मे बी ओ एच लगा हुआ अल्कोहल है, वहाँ पर इसका यूज़ होगा. तो अब इसके लिए वैलेंसी पूरी करने के लिए मैंने ऐसे लगा दिया यहाँ पर कि हाँ इसके साथ कुछ भी हो सकता है अपना एक जनरल वे में. अब यहाँ पर आपका आता है अटैकिंग रिएजेंट. रिएजेंट का मतलब कोई भी आपके पास सब्सटेंस, मोलिक्यूल, आयोन, कुछ भी जो इसके ऊपर अटैक करने वाला है, और वो होगा चार्ज्ड ही, आइदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगी आपके पास वो. अब देखो जब ये अटैकिंग स्पीसीज इसके नज़दीक आएगी तो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई, विच बॉन्ड इज वीक, हाँ पाई बॉन्ड वीक है, इसकी प्रेजेंस की वजह से, इसके बिना नहीं होगा. देखो भाई जब ये इसके नज़दीक आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली, देखो यही इफेक्ट है जहाँ पर कम्प्लीट इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है. तो वजह क्या हो, पहले इंडक्टिव इफेक्ट में एक पार्शियल चार्ज गया, रेजोनेंस में भी एक चार्ज ही मूव कर रहा था, हाइपर कंजुगेशन टोटली चार्ज पर ही बेसिस था, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब एक पार्शियल चार्ज जा रहा है, लेकिन यहाँ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगी. अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड में किसका है, इस कार्बन का, एक इसका. अब अगर मान लो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले तो कोई चार्ज नहीं आएगा. देखो अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया तो कोई चार्ज नहीं आने वाला, पर होगा क्या, ये पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों का मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन उस कार्बन का भी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी एक कार्बन के पास चले जाएंगे, और जहां चले जाएंगे, अब मान लो इलेक्ट्रॉन चले गए यहां पर, तो चार्ज क्या आएगा यहां पर, और यहां क्या जाएगा, पॉजिटिव. अब समझना बात को, यहां पर ये हुआ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में. अब डिपेंड करेगा यहां पर कि ये अटैकिंग रिएजेंट के पास चार्ज क्या है, उसके बेसिस पर यहाँ टू टाइप का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है. फर्स्ट क्या, फॉर एग्जांपल मैं चलो एच पॉजिटिव ले लेता हूँ, या फिर कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज. अब बताओ भाई ये एच पॉजिटिव, ये कार्बन नंबर वन है और ये कार्बन नंबर टू है, कहाँ पर अटैक करेगा, हाँ वन पे करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो आपका ये एच पॉजिटिव जा करके यहाँ अटैक कर जाएगा. ठीक है, और इस टाइप की इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या बोलते हैं, प्लस ई इफेक्ट. प्लस ई इफेक्ट क्यों बोलते हैं प्लस ई, जब मीन्स जिस टाइप के इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जो जहां पर इलेक्ट्रॉन गए, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जहां गए वहीं पर आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है. दोनों चीजें एक ही एटम पे गई, पाई इलेक्ट्रॉन भी वहीं गए
और अटैकिंग रिएजेंट भी वहीं गया, ये आपका प्लस ई, और प्लस ई प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया। अगर मान लो सेम केस ले लेते हैं, ये आप टूट चुका है, यहाँ चलो फिर दोबारा मान लो नेगेटिव चार्ज ही आया है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, और अब आपने मान लो अटैकिंग रिएजेंट सी एन नेगेटिव है, साइनाइड आयन आ गया, तो ये अब दोबारा से अटैक करेगा फर्स्ट कार्बन पर कि नहीं? अब की बार ये सेकंड पर अटैक करने वाला है। अगर ये एग्जाम्पल प्लस ई का था तो ये एग्जाम्पल होगा माइनस ई का, क्योंकि इसमें रिएजेंट अटैकिंग रिएजेंट वहां गया है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं गए, मींस इलेक्ट्रॉन और अटैकिंग रिएजेंट अलग अलग कार्बन पर अटैक कर रहे हैं। अब डेफिनेशन अगर बात बनाएं तो देखो डेफिनेशन एक बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, तो डेफिनेशन क्या हुई यहाँ पर, कोई बच्चा जो उसको डिफाइन कर सके, व्हाट मींस क्या हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में क्या हो रहा है, उसको आप डिफाइन कर दो। डेफिनेशन की कोई एक लिमिट नहीं होती, हर बुक हर राइटर उसको अपने हिसाब से लिख सकता है, आप भी राइटर बन जाओ, लिख दो, बताओ भाई क्या बन सकती है डेफिनेशन, जो हुआ उसको आप बोल दो वर्ड्स में, तो यही होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अट्रैक्शन। कौन से इलेक्ट्रॉन, विच इलेक्ट्रॉन, मल्टीपल बॉन्ड के कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई। तो देखो इसको मैं से बोल सकते थे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स अंडर और एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, क्योंकि जब तक अटैकिंग रिएजेंट नहीं आएगा ऐसे नहीं फ्री में उठ के पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी, उसके लिए अटैकिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट थी। अटैकिंग रिएजेंट अगर मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम के पास आ जाए, या फिर हम बोलेंगे इसको अनसेचुरेटेड सिस्टम, ठीक है, तो जहां मल्टीपल बॉन्ड है जिसके पास पाई बॉन्ड होना चाहिए, जो वीक बॉन्ड, अगर उसके नज़दीक अटैकिंग रिएजेंट आए तो मल्टीपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगी इधर ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, जाएंगे वहीं जहां जो एटम जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, ऐसा नहीं कहीं पहुंच जाएं, इधर ऑफ द, क्योंकि डबल बॉन्ड हैं तो एक कार्बन देखो डबल बॉन्ड से जुड़े दो तो होंगे ही पक्का, एक ये होगा एक ये होगा, तो इधर ऑफ द, अब इसमें गया वन पर इसमें गया टू पर, सो दिस ट्रांसफर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट टूवर्ड्स इधर ऑफ द कार्बन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। प्लस में दोनों सेम पे जाएंगे, माइनस में एक पे इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक पर अटैकिंग रिएजेंट। तो ये आपके इफेक्ट्स वाला जो पोर्शन है वो टोटली अब खत्म हो गया है। इससे पहले 11 पार्ट्स थे वीडियो के, ऑल दो मैंने क्योंकि ना एक साथ ही अपलोड कर दिए थे एक दिन में ही, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, तो उसको देखता हूँ मैं टाइम लगा करके एक प्ले लिस्ट में कि वो सिक्वेंस में आ जाएँ, अदरवाइज आप लोग समझदार तो होकर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है आपका, ऑल दो कोई बहुत मुश्किल पोर्शन नहीं है, आपको वैसे आता भी होगा, सेपरेशन टेक्निक्स की। मान लो देखो अब रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की ही बात करेंगे, सब्सटेंस होने के लिए इम्प्योर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है, बट उसकी सेपरेशन मेटल नॉन मेटल की अलग पोर्शन है, वो प्लस टू में आ जाएगा आपके पास, वो अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो मेटल की प्योरिफिकेशन आ जाती है उसमें। तो हमें यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करना है और उन्हीं टेक्निक्स को यहाँ स्टडी करना है, और इसके रिगार्डिंग एक बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल बन जाएगा जो हम करेंगे नेक्स्ट वीक, दैट शुड बी क्रिस्टलाइजेशन, वो आपके सिलेबस में भी है तो रखना याद। नेक्स्ट वीक कब कर सकते हैं, हमें कल किया था, कल था आपका थर्सडे, ठीक है, तो ऐसे ही थर्सडे या फ्राइडे देख लेते हैं, किसी एक दिन आपका ये जो है क्रिस्टलाइजेशन वाला पार्ट करा देते हैं, या फिर कल ही करवा दें, आज किया है चलो कल ही करवा देंगे, देखो हमें तो करने प्रैक्टिकल ही हैं वो जब भी करवाएं, तो कल क्रिस्टलाइजेशन का प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, किस प्रिंसिपल पर, देखो मेन तो हमें आपको प्रोसीजर को रटना नहीं है, वो आपको आता है, यहाँ करोगे तो वैसे ही आपको कहे कि बताओ चाय कैसे बनती है उसको लिखो, कोई बेनिफिट नहीं है, सबको आता है, उससे कुछ नया सीखोगे नहीं आप, बट मेन थिंग
कि अब आपको पता चल जाए कि क्रिस्टलाइजेशन होती है, अब ये पता नहीं है कि इसका यूज़ करके इस सब्सटेंस को हम सेपरेट या प्योरीफाई कर सकते भी नहीं, तो कोई बेनिफिट नहीं आने का उसका। जब पता ही नहीं है कि ये मेथड यहाँ अप्लाई हो रहा है तो सीख भी लिया, बेनिफिट क्या है? तो प्रिंसिपल क्या होना चाहिए क्रिस्टलाइजेशन का? व्हाट इज़ प्रिंसिपल? कि जब ये कंडीशंस हों तो इस वजह से ये प्रोसेस होगी, एंड अंडर दैट प्रोसीजर हमें इस तरीके से कर लेंगे प्योरीफाई और क्रिस्टल्स बना लेंगे। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल? डिफरेंस इन सोल्युबिलिटी, किसकी सोल्युबिलिटी कहाँ पर, हु शुड बी लेस सोल्युबल, हु शुड बी मोर सोल्युबल, अगर डिफरेंस है तो लेस और मोर होगा। विच कंपोनेंट शुड बी मोर सोल्युबल, विच कंपोनेंट शुड बी हाईली सोल्युबल, इन विच इट शुड बी हाईली और लेस सोल्युबल, पूरा कंप्लीट आना चाहिए ना। खाली हमें नंबर ही लेने हैं, हम बात प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो चीज़ आती होगी तो आप कहीं यूज़ भी कर सकते हो। हाँ, तो देखो मैं थोड़ा सा अभी डिस्कस कर देता हूँ जो हमें कल बात करनी है कि प्रैक्टिकल कैसे करेंगे हम। मैं यहाँ पर कॉपर सल्फेट लूँगा और उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ कॉपर सल्फेट ना भी लें तो पोटैश एलम, क्या बोलते हैं इसको भाई हिंदी में, क्या बोलते हैं, हाँ फिटकरी, पोटैश एलम। इसमें आपके पास पोटैशियम और एल्यूमिनियम का सल्फेट का सॉल्ट होता है, तो पोटैश एलम के भी बड़े अच्छे क्रिस्टल बन जाते हैं, और एज़ कम्पेयर टू कॉपर सल्फेट थोड़ा सा ईजी होता है बनाने वाले। तो किसी के पास अगर हो फिटकरी वगैरह पोटैश एलम तो ले आना, अदरवाइज कॉपर सल्फेट बना लेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखो क्यों मैं कह रहा हूँ कि फिटकरी के लिए, वो रीज़न ये है कि जो कॉपर सल्फेट है वो तो हमारे पास पहले प्योर पड़ा हुआ है, क्या उसे प्योर करेंगे हम, जो प्योर है ही पहले से, अब लैब में पड़ा हुआ है तो वैसे ही प्योर आया था आपके पास, तो उसमें कुछ बचता नहीं है प्योरीफाई करने के लिए। बट जो आपकी पोटैश एलम मिलती है वो तो इम्प्योर होती ही है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे कि आप पोटैश एलम को ना पहले बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका बनाओ एक सॉल्यूशन। आफ्टर दैट उसको बिल्कुल कंप्लीट डिसॉल्व कर लो, फिर फिल्टर आउट करो, जो नीचे सॉल्यूशन बचा आपके पास उसको आपने ना हीट करना है, और इतनी देर तक हीट करना है कि ना अगर आप मान लो कोई ग्लास रोड लेते हो, उस ग्लास रोड पे लगाओ उस सॉल्यूशन को, तो वहाँ पर उसकी एक वाइट कलर की लेयर बन जाए, मीन्स उसके अंदर काफ़ी हाई अमाउंट में वो सब्सटेंस हो इवेपोरेशन होने के बाद। तो उसको फिर आप क्या करोगे, यू विल अलाउ इट टू कूल फॉर सम टाइम, एंड आफ्टर सम टाइम डिपेंडिंग अपॉन देखो कंडीशंस, वो टाइम अलग अलग होता है, आपको पोटैश एलम के ना क्रिस्टल्स, क्रिस्टल का मतलब होता है सॉलिड पार्ट, मीन्स आपने उसको डिजोल्व कर लिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, और कुछ टाइम के बाद वो आपको दोबारा से मिल गया सॉलिड फॉर्म में। अब ये बताओ कि सॉल्यूशन के अंदर मान लो आपने किसी चीज़ को सोल्यूबल बना दिया, और दोबारा से वो अगर इनसोल्यूबल हो गया है, मीन्स दोबारा से उसके बन गए क्रिस्टल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ना, ये तो प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन, तो मतलब क्या हुआ इसका, क्या समझ आया आपको कि एक सब्सटेंस को आपने पहले तो डिजोल्व कर लिया, फिर जब हीटिंग की और ठंडा किया तो वही सब्सटेंस दोबारा से आपको सॉलिड फॉर्म में मिल गया, और वो भी प्योर फॉर्म में। अब जो मिलेगा ना सॉलिड फॉर्म, वो प्योर होगा, इम्प्योरिटी नहीं होगी उसके अंदर, प्योरिफिकेशन तो हो रही है। पूछे मैं रहा हूँ इससे समझ क्या आया आपको कि क्या प्रिंसिपल होना चाहिए था यहाँ पर, अंडर विच कंडीशन, क्या आप हर एक के लिए लगा दोगे क्रिस्टलाइजेशन, लो मुझे ये अलग करना है इसको भी लगाओ क्रिस्टलाइजेशन, मुझे ये अलग करना है यहाँ भी लगा दो, नहीं होती है, अंडर सर्टन कंडीशन होगी, वो कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ ये बात। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो जो आपका प्योर सब्सटेंस है ना, जैसे कि पोटैश एलम है या फिर कॉपर सल्फेट है, जो जो प्योर है, इम्प्योरिटी उसके साथ में होएगी, बट प्योर सब्सटेंस शुड नॉट बी हाईली सोल्यूबल, इट शुड बी स्पेरिंगली सोल्यूबल। स्पेरिंगली देखो मैं भी बोल रहा हूँ, मैं बोलने को लेस बोल सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान पड़ता, बट स्पेरिंगली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ना मिलता यही वर्ड है बुक में लिखा हुआ या एग्जाम में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए वर्ड के बारे में। स्पेरिंगली सोल्यूबल जो आपका कॉपर सल्फेट होगा या पोटैश एलम, तो क्या करोगे आप, उसको हीट करोगे ना,
तो पता ही है आपको, गर्म करने से क्या होता है, सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो फिर वो सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ है ना वो हाईली सोल्यूबल होती हैं, चाहे वो आप उसको कूल मतलब गर्म करो या उसको कूल रखो, वो आपकी हाईली सोल्यूबल ही रहेंगी अंडर द नॉर्मल टेम्परेचर ऑल्सो, एट दिस टेम्परेचर ऑल्सो द इम्प्योरिटी इज हाईली सोल्यूबल, और तब ये काम करेगा। अगर डिफरेंस ना हुआ सोल्यूबिलिटी का तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। सो देखो भाई इसमें क्या होता है, आप कॉपर सल्फेट या पोटैश एलम जो कि लेस सोल्यूबल था, एक बार तो आपने क्या किया टेम्परेचर दे करके इसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ा दी, और जो चीज़ सोल्यूबल होगी ना वो फिल्टर के थ्रू नीचे आ जाएगी। देखो आप, मैं कहूँ बड़ा सिंपल एग्जांपल सा है, सोल्ट है, अगर सोल्ट को वाटर में घोलो और फिल्टर करो तो क्या फिल्टर में सोल्ट आएगा? नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सोल्यूबल हो चुका है। जो चीज़ सोल्यूबल हो गई ना, देखो होता क्या है, सोल्यूबल होने से ना वो कंपाउंड एटम के लेवल तक टूट जाता है, और फिल्टर पेपर की इतनी कोई पोरोसिटी नहीं होती, मतलब उसके पोर्स इतने छोटे नहीं होते कि वो एटम को रोक सके, नेवर। एटम को रोकने की हिम्मत तो ना ही, वरना आप बैलून लो उसको बंद करते जाओ तब भी नहीं होती, क्योंकि उसमें से एयर तो बाहर निकल जाती है ना, तो एटम तो रोकने की कोई हिम्मत है नहीं है। तो होता क्या है कि हीटिंग करने से ना आपने प्योर सब्सटेंस जिसकी सोल्युबिलिटी, अब यहाँ एक कंडीशन और लग गई, ऑल्दो वो कंडीशन हम यहाँ फॉलो करते नहीं हैं क्योंकि हम यूजुअली इन प्रैक्टिकल वो सब्सटेंस लेते हैं जो वाटर में सोल्यूबल हों, लेकिन ये किस कंडीशन के लिए ज़रूरी, ये भी है एक पर्टिकुलर सोलवेंट में। अब हो सकता है ये यहाँ पर एक बात अच्छी चीज़ बात ये भी है, फॉर एग्जाम्पल वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी मतलब कि जो आपका प्योर सब्सटेंस है जो इम्प्योर है दोनों ही सोल्यूबल हों, मीन्स या दोनों ही इनसोल्यूबल हों, कोई डिफरेंस ना हो सोल्युबिलिटी का, लेकिन किसी और सोलवेंट में लाइक एसीटोन बेंजीन कोई भी हो सकता है CCl4, वहाँ पर डिफरेंस आ जाए तो आप वो वाला सोलवेंट लो जहाँ पर डिफरेंस हो सोल्युबिलिटी का। तो यही इसका प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन इज द डिफरेंस इन द सोल्युबिलिटी ऑफ प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस इन अ पर्टिकुलर सोलवेंट, बस यही है हमारी क्रिस्टलाइजेशन, बाकी प्रैक्टिकल कल करेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो हमारे पास ये जो क्रिस्टलाइजेशन थी ये टॉपिक तो हो गया, अब बताओ बहुत आसान सा है, वैसे आपको आता ही होगा, इतना कोई बहुत मुश्किल है नहीं। इसे मान लो वाटर है और ईथर है, वाटर एंड ईथर। अब देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपका हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, ईथर आई थिंक 68 होता है, मुझे पक्का, हाँ आई लगता है मुझे इतने होगा। तो अब इनको हमें अलग करना है, दोनों सोल्यूबल हैं, बोथ आर सोल्यूबल, आप दोनों सोल्यूबल है तो फिल्टर तो कर सकते नहीं आप, अगर फिल्टर करोगे दोनों नीचे आ जाएंगे, और कि अब करते हो इवेपोरेशन, तो अब मान लो आपको चाहिए था ईथर, वो उड़ी गया तो क्या आपने सेपरेट किया, पानी पहले पड़ा हुआ था, तो कैसे करें? रजिस्टर लगा दें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल क्यों? कितना ज़्यादा डिस्टिलेशन सिंपल कब तक हो सकती है? हाँ तो फिर जब 68 बोला है मैंने तो 32 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो सिंपल डिस्टिलेशन देखो भाई, जब जो बच्चे ठीक है हमने करवाया वैसे 9th क्लास में, जो बच्चे थे साथ में हमारे पास थे कई बच्चे, इनमें से गर्ल्स में तो कमी थी, कोई कहीं होगी शायद, सारी अलग जगह क्लास में थे, तो हाँ बॉयज लगभग वही के वही आ गए सारे के सारे, 9th 7th में भी थे बच्चे, 7th में था मैं कि नहीं था, 7th में लंबे समय से परेशान कर रहे बेटा आप लोग, 8th में था, ओके। तो चलो देखो बैल हो गई है, अब इसको मैं यहीं पे करता हूँ रिटेन, अभी तो यहीं पे रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में टोटल कंप्लीट डिस्टिलेशन, एक नहीं देखो सुन लो मेरे, आप पढ़ के आना, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। हो सके देखो भाई कोई इसमें गलत बात नहीं है, अपना आप
देख लो उसका YouTube पे वीडियो वगैरह, अच्छा लगता है वहाँ थोड़ा समझ बेटर आता है, उसके बाद ये मान के चलो फटाफट यहाँ हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल का देखो, इसमें कोई फालतू नहीं है, प्रैक्टिकल वाले हैं। और इसमें ना आप ट्राई करना कि देखो ऐसे लिखना, स्टीम डिस्टिलेशन एनिमेशन, एनिमेशन वाला जो है ना बिल्कुल बेटर मिलता है। अब एक्सप्लेनेशन है वो हर एक अलग अलग होती है और वो उसमें टाइम फालतू लेते हैं। एनिमेशन क्या होता है, 2-3 मिनट का वीडियो होता है, उसमें टाइम भी कम, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको आएगा समझ। तो आप ट्राई करना, ये जितने मैंने लिखे हुए नोट्स में चारों टाइप के डिस्टिलेशन, एक बार आप इनका एनिमेशन देखे आओ, ठीक है? क्योंकि यहाँ देखो आपके पास कोई है तो है नहीं इस समय हमारे पास कोई ऐसा स्क्रीन वगैरह के दिखा सकें, तो अपना एक बार, आप सबके पास मोबाइल वैसे है ही है, रेंज की प्रॉब्लम है वो देखते हैं। बाकी फिर भी ट्राई करना, ठीक है?